आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थायराइड के होने से पुरुषों में फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है क्या, और थायराइड का कनेक्शन क्या है इस फर्टिलिटी के साथ? हाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहना, अजूस्पर्मिया होना, बहुत सारे कारण हैं। मगर थायराइड का फंक्शन या ठीक से फंक्शन ना कर पाना भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है मेल फर्टिलिटी के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए। सो थायराइड जो ग्लैंड है वो गर्दन के सामने होता है और ये बॉडी के हर भाग को ठीक से चलाने में अपना योगदान प्ले करता है। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है थायराइड के रोल में। ये जो हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है, इसके सेक्रेशन की वजह से, यानी कि थायराइड के ठीक से बॉडी में फैलने की वजह से ही अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक से चलता है। और आप ये जो सडन से कोल्ड होना या जो भी वातावरण में चेंजेस होते हैं उसे आप ठीक से टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि थायराइड उसे नॉर्मल करने में सहायक होता है। थायराइड हार्मोन्स पुरुषों में टेस्टिस पे भी काम करते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स पैदा होते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उस पर भी बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। ज़्यादा या कम थायराइड होने की वजह से टेस्टिस का फंक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे जो सीमन है उसमें अबनॉर्मैलिटीज हो सकते हैं। ना केवल स्पर्म्स में, सीमन में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि ज़्यादा हो जाना, थायरॉयड का बहुत ज़्यादा हो जाना, यूजुअली इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बेसिकली सीमन वॉल्यूम कम कर देता है ये प्रॉब्लम, यानी कि हाइपर होने से सीमन वॉल्यूम कम हो जाता है, रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट हो जाता है, यानी कम हो जाता है स्पर्म काउंट। मॉर्फोलॉजी या आकार या मोटिलिटी, हरकत में भी स्पर्म्स का प्रॉब्लम हो सकता है हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम होना, थायरॉयड का कम होने की वजह से लो स्पर्म काउंट हो सकता है, पुअर क्वालिटी हो सकता है, टेस्टिकुलर फंक्शन यानी कि टेस्टिस का जो फंक्शन है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन सब के अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जान लीजिए कि मैंने आपको बहुत सारे सिम्टम्स वगैरह बताए हैं, बट पॉजिटिव साइड ये है कि ये सब कुछ ट्रीट किया जा सकता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, यानी उसे ठीक से ट्रीट किया जा सकता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा। जो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली कम हो जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता रहता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो ये नॉर्मल होने के चांसेस बहुत होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में एंटी थायरॉयड मेडिकेशन दिया जाता है, जिससे थायरॉयड इंडिकेशन मिलता है कि कम हार्मोन प्रोड्यूस करो। आयोडीन दिया जाता है, कभी कभी सर्जरी किया जाता है। ये सब करने से थायराइड का जो फंक्शन होता है उसे नॉर्मल होने में आसानी होती है। कई खाद्य पदार्थ में भी, खाने के आइटम्स में भी बहुत अच्छा आयोडीन का सोर्स होता है, यानी कि हाइपर जब होता है उसमें बहुत सहायक होता है, हाइपर या हाइपो। जैसे दूध, चीज़, चिकन, एग्स, ये सब खाएंगे अगर आप, तो बेसिकली गुड सोर्स ऑफ आयोडीन मिलने के चांसेस होते हैं। विटामिन सोर्सेज जैसे कि विटामिन बी, जिंक, सिलीनियम, ये भी बहुत लाभदायक होते हैं, जिससे थायराइड के फंक्शन को ठीक होने में सहायता मिलती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन हो गया और विटामिन भी बहुत ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी मेडिकेशंस जब स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्स ही हो, आपको अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को क्या रिक्वायर्ड लेवल चाहिए ये टेस्ट करने के बाद वो बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। सबसे ज़्यादा कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म का, यानी कि कॉमन सिम्टम्स, कॉमन कंडीशन, कॉमन बीमारी जो थायरॉयड के ज़्यादा होने से देखी गई है, उसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। जहाँ एक हेल्दी थायराइड को, मतलब कि बहुत अच्छे थायराइड को, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हार्मोन, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये टू मच आयोडीन लेने की वजह से भी हो सकता है, शायद आप मेडिकेशन ले रहे हो, शायद आप किसी और प्रकार में फूड या सप्लीमेंट्स की में आयरन बहुत ले रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड के हार्मोन में, से ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत केयरफुली सप्लीमेंट्स को आप इसे ऐड करें अपने। एक और होता है प्रॉब्लम जिसे हाशिमोटोज कहते हैं, जहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो ये सोचता है कि जो नॉर्मल पार्ट्स को भी फॉरेन इन्वेडर्स करके उसको अटैक करना शुरू करता है, जिससे ये TSH का प्रोडक्शन कम हो जाता है और थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। इसका नाम है हाशिमोटोज डिजीज। जो मैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोल रही हूँ ये वही डिसऑर्डर है। इसके थोड़े सिम्टम्स हैं, थक जाना, बहुत टायर्ड फील करना, स्किन का बहुत ड्राई रहना, नाखून का ब्रिटल रहना यानी टूट जाना, ठंडी लगना, डिप्रेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, आपको किसी चीज़ पे ध्यान लगाने में दिक्कत होना, वेट ज़्यादा होना,
मसल्स में पेन रहना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक ओवरएक्टिव थायराइड यानी कि हाइपर थायराइडिज्म में सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड को सुजा देते हैं, स्वेलिंग उसका उसे क्वाइटर कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, स्वेटिंग होना, वार्म आपके जो त्वचा है बहुत गर्म होना और उसमें बहुत खुजली होना, एंग्जाइटी या मूडीनेस होना, हाथ में ट्रेमर्स होना, ये भी बहुत बड़ा कॉमन फीचर है जहाँ पे हाथ में बहुत ट्रेम्बलिंग होता रहता है, और इरेगुलर हार्ट बीट्स होना। चाहे आप बेशक रेस्ट ले रहे हो फिर भी आपके आपको हार्ट बीट थोड़ा सा या ब्रीदिंग आपका अनइवन हो जाएगा। वेट लॉस होना, फ्रीक्वेंटली आपको लूज मोशंस होना, ये सब भी देखा गया है। और बालों का झड़ना या प्रीमेच्योर बॉल्डिंग जिसे कहते हैं यानी कि गंजा, प्रीमेच्योर एज के पहले ही गंजा हो जाना, ये प्रॉब्लम्स भी इसमें देखे गए हैं। स्टडीज तो अभी फिर भी अभी जांच कर रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी और थायराइड का कनेक्शन क्या है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टडीज आ रहे हैं, बट ये भी देखा गया है कि थायराइड का ट्रीटमेंट करने पे जो मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। इसलिए ये आपको मैं अवश्य सलाह दूंगी कि थायराइड फंक्शन अगर ऊपर रहे या नीचे रहे, यानी कि हाइपो रहे या हाइपर रहे, उसे ठीक से जांच लीजिए। जो रिपोर्ट्स हैं आपके डॉक्टर को अवश्य दिखाइए। और अगर इनफर्टिलिटी, आपके बच्चे ना होना या स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम होना, अगर ये प्रॉब्लम थायराइड की वजह से हो रहा है तो अवश्य ट्रीटमेंट लीजिए ताकि इसका इफेक्ट ठीक किया जा सके। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।